कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अमिताभ बच्चन एक नया मंत्र दे रहे हैं। मंत्र भले ही पुराना हो, लेकिन समय के अनुसार ये एक नया तरीका है जिससे कोरोना से बचा जा सकता है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं अमिताभ बच्चन। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था, तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उसे आराम देती थी। हमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है, अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है, इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है, परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, पर मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत घर लाएंगे। हमारी प्राचीन उपचार की विधियों को पूरा विश्व मानता है। आज अमिताभ बच्चन के इस संदेश ने यह साबित कर दिया है कि हमारी सरकार भी चाहती है कि कोरोना जैसी महामारी में लड़ाई के लिए आम आदमी को अपने घरेलू नुस्खे अपनाने होंगे और वापसी अपने